5 दिसंबर को देश के 5 राज्यों में उपचुनाव हुए, जिसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में विधानसभा उपचुनाव हुए, तो वहीं यूपी की मैनपुरी सीट पर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी सोमवार को वोटिंग हुई। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग भी 5 दिसंबर को हुई। इन सभी चुनावों और उपचुनावों के परिणाम 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान हुआ था, इसका परिणाम भी 8 दिसंबर को ही घोषित किया जाएगा। ऐसे में हम आपको सभी राज्यों की सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं कि किस राज्य की कौन सी सीट पर उपचुनाव हुए और मुख्य मुकाबला किनके किनके बीच है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। बात बिहार के कुढ़नी विधानसभा सीट की करें तो सोमवार 5 दिसंबर को यहां मतदान हुआ। इस चुनाव में महागठबंधन की ओर से जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो वहीं बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि वीआईपी पार्टी से प्रत्याशी नीलाभ कुमार और एआईएमआईएन की ओर से गुलाम मुर्तजा भी इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। बताएं आपको कि राजद विधायक अनिल सहनी को एमपीएमएलए कोर्ट से अयोग्य ठहराए जाने के बाद बिहार की कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। इस सीट पर मुख्य मुकाबला महागठबंधन से जेडीयू उम्मीदवार मनोज कुशवाहा और बीजेपी के उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता के बीच बताई जा रही है। केदार गुप्ता और मनोज कुशवाहा दोनों ही पूर्व मुखिया होने के साथ साथ विधायक भी रह चुके हैं। राजस्थान के चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव हुए। ये सीट कांग्रेस विधायक भंवर लाल शर्मा के निधन से खाली हुई। इस चुनाव को 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनावों का सेमी फाइनल भी माना जा रहा है। इस चुनाव में कांग्रेस ने स्वर्गीय भंवर लाल शर्मा के बेटे अनिल शर्मा को टिकट दे दिया है। वहीं भाजपा ने अशोक कुमार पिंचा को उम्मीदवार बनाया है। पिछले महीने विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी के अचानक निधन से खाली हुई भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने उनकी पत्नी सावित्री मंडावी को चुनाव मैदान में उतारा, तो वहीं भाजपा ने ब्रह्मानंद नेताम को उम्मीदवार बनाया है। नेताम साल 2008 से ही भानु प्रतापपुर के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने दिवंगत नेता मनोज मंडावी को चुनाव हराया था। छत्तीसगढ़ में अगले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। उड़ीसा की पदमपुर विधानसभा सीट पर भी 5 दिसंबर को ही उपचुनाव हुए, जिसमें सत्तारूढ़ बीजू जनता दल और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। दरअसल पिछले महीने बीजद विधायक विजय रंजन सिंह बरीहा के निधन के बाद पदमपुर विधानसभा सीट खाली हो गई, जहां बीजेपी ने प्रदीप पुरोहित को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं बीजद ने बरसा सिंह बरीहा को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने सत्यभूषण साहू को मैदान में उतारा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट पर भी सोमवार को उपचुनाव हुए। मैनपुरी सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी। मैनपुरी लोकसभा सीट हमेशा से समाजवादी पार्टी का ही गढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनावी मैदान में। अपनी पार्टी के गढ़ और अपने ससुर की विरासत को बचाए रखना डिंपल यादव के लिए एक बड़ी चुनौती है। मैनपुरी में डिंपल यादव को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने रघु राज शाके को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर जिले की खतौली विधानसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट पर भी सोमवार 5 दिसंबर को ही वोटिंग हुई। दरअसल खतौली विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के एमएलए विक्रम सैनी को अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी, जिसकी वजह से यहां उपचुनाव हो रहा है। इस चुनाव में बीजेपी ने खतौली सीट से विक्रम की पत्नी राजकुमारी सैनी को उम्मीदवार बनाया, जबकि उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी के समर्थन से आरएलडी के मदन भैया चुनाव मैदान में। इस उपचुनाव में खतौली में कुल 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे। हालांकि इस उपचुनाव से कांग्रेस और बीएसपी ने दूरी बनाए रखी। वहीं यूपी विधानसभा से सपा के दिग्गज आजम खान की अयोग्यता के बाद रामपुर विधानसभा सीट खाली हुई। रामपुर सदर सीट पर आजम खान के करीबी आसिम राजा को सपा का प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि भाजपा ने पूर्व विधायक शिव बहादुर सक्सेना के बेटे आकाश सक्सेना को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा है।
अब बात करते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव की। तो गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी का शासन रहा है। एक बार फिर से अपने अभेद दुर्ग को बचाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी के किले में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं गुजरात विधानसभा में, जिस पर दो चरणों में मतदान करने का निर्णय लिया गया था। पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान हुआ, 1 दिसंबर को हुआ था, जिसमें कुल 62.89% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जबकि दूसरे चरण के लिए 93 सीटों पर मतदान 5 दिसंबर को हुआ। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने इन 93 सीटों में से 51 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 39 सीटें जीती थी, जबकि 3 सीटों पर निर्दलीय भी जीते थे। 8 दिसंबर को चुनाव नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब बात हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीट हैं, जिस पर 12 नवंबर को मतदान हुआ था। कुल 66% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में असली लड़ाई जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच मानी जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की एंट्री ने चुनाव को और रोमांचक बना दिया। हिमाचल प्रदेश में एक पुरानी परंपरा चली आ रही है, किसी भी पार्टी ने लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीता है। एक बार कांग्रेस को, दूसरी बार बीजेपी को हिमाचल प्रदेश की जनता ने सत्ता के शीर्ष पर बिठाया है। इस बार भी ये देखना काफी अहम होगा कि सत्ता परिवर्तन वाली परंपरा बरकरार रहती है या फिर हिमाचल में सत्तासीन बीजेपी दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब होती है। 8 दिसंबर को पता चलेगा। अब बने रहिए इनसाइट लाइव के साथ। हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें।